हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष के मंगलमय की कामना करता हूं और इसी बीच में आपकी 2024 में काफ़ी वैकेंसियां विज्ञप्तियां आपके समक्ष दिखेंगी, तो इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी, ठीक है। और टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको सभी समस्त जानकारियाँ मिलेंगी, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपने टू द पॉइंट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस की इसमें विज्ञप्ति आई है और यूपीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी आई है। इसमें विज्ञापन अंतिम तिथि क्या है और इसकी योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है और कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा और कितनी पोस्ट आए हैं, ये सारी जानकारियां आपके हैं हम इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करना है। तो अगर आपको इम्पैक्ट बढ़िया लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए उससे पहले बेसिक और सबसे मार्मिक, सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सबसे पहले आपको इस बारे में जानकारी होना चाहिए कि जैसे आप यूपी पीएससी का वेबसाइट ओपन करेंगे, आयोग का जब भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको रेड कलर में, लाल कलर में, बिल्कुल खतरे की निशानी की घंटी में आपको दिखेगा एप्लीकेंट्स ओटीआर नंबर इज द ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म अगेंस्ट एनी पोस्ट पब्लिश्ड बाय द कमीशन। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप आयोग की वेबसाइट पर या फिर इसके अंतर्गत आए हुए किसी भी विज्ञप्ति के अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट पर, तो उसके लिए चाहिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, ओटीआर लॉकर नंबर चाहिए होता है, जो कि हम आपको काफ़ी दिनों से अवगत करा रहे हैं कि भाई आप लोग ओटीआर कर लीजिए, नहीं तो आप लोग एप्लीकेशन आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे देखिए, काइंडली लॉग इन इन टू कैंडिडेट डैशबोर्ड टू नो द डिटेल्स रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म। आप कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाइए, क्लिक कीजिए और उसके बारे में सभी जानकारियां जो भी हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत वो आपको प्राप्त हो जाएगी कि इसमें एग्जामिनेशन कितने होंगे, लिखित परीक्षा होगी या फिर आपको ओरली एग्जामिनेशन होगा, कहने का सेंस इंटरव्यू, वाइवा, वाइवा होगा या प्री होगा या मेंस होगा इत्यादि, इसमें आपको जानकारी कहां पर मिलेगी, कैंडिडेट डैशबोर्ड में। क्लियर, यह सबसे जरूरी है। कहने का तात्पर्य कुल मिला के ये है कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लें, ठीक है। आयोग के वेबसाइट पर जाइए और वहां पर फ्रंट पे ही दिया है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन डिस्प्ले पे, हेडलाइन पे ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उस पर आप क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग अवश्य कर लीजिएगा भैया, नहीं तो आप लोग आगे किसी भी विज्ञापन में दावेदारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2024 विज्ञप्ति, इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 1 जनवरी 2024 नव वर्ष के शुभकामनाएं के तौर पे इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। आयोग की वेबसाइट ये यूपीपीएससी up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिससे ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, और हाँ जाति प्रमाण पत्र ये मांगता है कि 3 महीने के अंदर, ठीक है, 3 महीने के पूर्व आपका होना चाहिए। नहीं है जिनके पास जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र, आप लोग इस तीनों प्रमाण पत्रों को अवश्य ऑनलाइन कर दें, ठीक है, बन के आ जाएगी 5-7 दिन में, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों, जिलों का नाम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इसी वेबसाइट पे आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के लिए, देखने के पश्चात
और हम होने की स्थिति में ही आवेदन करें। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर इसके क्राइटेरिया और मापदंड को पूर्ण कर लेते हैं तभी इसमें आवेदन करें, अन्यथा की दिशा में फालतू फिजूल अपना भी समय और आयोग का भी समय जाया ना करें। ठीक है, रिक्तियों का विवरण। वर्तमान में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 220 है, 220 है। इसके पहले अभी एक पद आपको आया था न्यूज़पेपर में, 866 प्लस पद, ठीक है, उसी पदों में से 220 पद आया है। ठीक है, रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार घट सकती है और बढ़ भी सकती है। मतलब आयोग इसको चाहे, आयोग के पास इतना प्रावधान है और साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि हमारी अगर इच्छा होगी या फिर समयानुसार परिस्थिति के अनुसार अगर वैकेंसी बढ़ानी होगी तो हम बढ़ा सकते हैं, घटानी होगी तो घटा भी सकते हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर प्लस का दे दिया था ना ऑप्शन सिंबल, देखिए चांस यहाँ पर बढ़ने का है, प्लस होने का, माइनस होने का चांस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम रखा गया होगा, आयोग है, छोटी मोटी है नहीं। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता जैसे कि विस्तृत विज्ञापन बिंदु 9 शैक्षिक अर्हता में दिया गया है। ठीक है, बिंदु 9 आप इसमें पढ़ लेंगे। आयु सीमा के चयन हेतु अभ्यर्थियों की 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष की आयु आवश्यक है। 1 जुलाई 2024 में आपकी 21 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए, पूरी करनी चाहिए, और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी 21 वर्ष से लेकर के 40 ईयर तक आप मैक्सिमम इसमें भर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से आपको क्लियर हो गया कि भाई एसटीए डीएचओ के लिए भी यही आपकी होनी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने बताया था 21 से 35, लेकिन अब यहां पर इससे थोड़ा सा एक अनुमानित डाटा लग जाता है कि 21 से 40 वर्ष आपको एसटीए में भी एलिजिबिलिटी होगी। ठीक है भैया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार दिव्यांग हेतु 55 वर्ष, जो पीएच कोटा वाले स्टूडेंट हैं इनको 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात जिनका जन्म 2 जुलाई 1969 के पूर्व का नहीं होना चाहिए, इससे पहले नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन बिंदु 6 व बिंदु 11 में दिया है, इसके लिए नियमानुसार आरक्षण आयु सीमा में जो भी छूट है, शिथिलन है, उसको दिया गया। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1 जनवरी 2024 आज से प्रारंभ है। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की तिथि 29 जनवरी 2024 तक है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2024 तक है। 2 फरवरी 2024 तक ये आपका विज्ञापन का अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने का। लेकिन मेरे पर्सनल अनुसार, पर्सनल ओपिनियन के अनुसार, अभी देखिए यूपीपी के एप्लीकेशन आवेदन इतने हो गए कि उसका जो वेबसाइट है, सर्वर है, अब क्रैश हुआ या प्रॉब्लम आया, समस्या आया, ठीक है, उसके सर्वर में इशू हुआ। तो आप देखिए कब से कब तक ऑनलाइन करिएगा इसको। मेरे अनुसार आप 5 जनवरी 2024 से लेकर के इसको करिएगा 30 जनवरी 2024, 5 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में आप इसको कर लीजिएगा, आराम से सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके बीच में करेंगे तो आपकी वेबसाइट, देखिए लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है और शुरुआती में सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पिछले वर्ष अभी टीजीटी पीजीटी का जो आयोग ने कराया था तो उसमें भी सर्वर इशू आई थी। तो इस कारणवश आप इस पर विशेष ध्यान रखेंगे कि जैसे विज्ञापन आता है तो सब लोग ऑनलाइन करना स्टार्ट कर देते, आप थोड़ा आराम से 2-4 दिन का वेस्ट, मतलब एक अच्छा रेस्ट लेकर के फिर आप इसको आराम से कंसंट्रेशन होकर भर लीजिएगा। ठीक है, जिनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है, निवास, जाति, आय, तो इस जिनको लागू होता है तो वो लोग अपना इस चीज़ को भी बनवा लेंगे। और आगे आगामी अभी एसटीए की वैकेंसी और डीएचओ की भी वैकेंसी आने वाली है, अब कब आएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये जो जानकारियाँ आपको मिली ये कंप्लीट हो गई।
अब बाकी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो पढ़ना चाहते हैं, आयु में छूट और दिव्यांग कोटा में छूट, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।